नमस्कार, आप देख रहे हैं tnnonline.in और मैं तरुण। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची झारखंड के छात्र अमित मीरा सिंह रघुवंशी। बहुत बहुत स्वागत है अमित आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण, अपने साथ हमें जोड़ने के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम आपका। हम आज अमित के साथ जो बातचीत करने वाले हैं वो एक नए फेलोशिप को लेकर, जो शोध छात्र यानी कि जो नए इनरोल छात्र, उनका मसला क्या है, उनका मुद्दा क्या है, इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। अमित, क्या है ये फेलोशिप का क्या मसला है जिसको लेकर जो नए इनरोल्ड छात्र हैं पीएचडी के, वो दिक्कत में है, वो परेशानी है, और आप लोगों ने एक लेटर भी लिख दिया। एक्चुअली में क्या है कि ICSSR हर साल फेलोशिप के लिए फॉर्म निकालती है, जिसमें दो प्रकार की फेलोशिप होती है, एक शॉर्ट टर्म फेलोशिप होती है, एक फुल टर्म फेलोशिप होती है। शॉर्ट टर्म सिर्फ 6 महीने के लिए मिलती है और फुल टर्म सिर्फ 2 साल के लिए मिलती है। तो अभी ICSSR ने जो एप्लीकेशन निकाला है उसकी लास्ट तिथि है 28 जून 2020। तो ये जो फॉर्म है भरने की प्रक्रिया, ये है लेंदी थोड़ी, क्योंकि इसमें जो आपका शोध टॉपिक होता है, जो आपका रिसर्च का टॉपिक होता है, उसका आपको प्रपोजल उसमें अपलोड करना होता है पीडीएफ फाइल, फिर उसमें आपके जो सुपरवाइजर हैं उनका रिकमेंडेशन लेटर, आपका रजिस्ट्रेशन लेटर, बहुत तरीके की चीजें होती हैं। तो अभी जो ग्लोबल तरीके से हालिया देखा जाए स्थिति पूरे विश्व की, तो वो लॉकडाउन से गुजर रहा है, COVID-19 से गुजर रहा है। तो पिछले मार्च 18 मार्च से सारी यूनिवर्सिटियों को, कॉलेज को, स्कूलों को बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से, और MHRD ने अभी तक एक सिर्फ इंटीमेशन दिया था कि हो सकता है 15 अगस्त तक अगर स्थिति सुधरे तो यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को, स्कूलों को खोल दिया जाएगा। लेकिन इसमें PhD और प्रोजेक्ट वालों के लिए कोई भी एक नोटिस नहीं थी कि उन्हें कब बुलाया जाएगा वापस यूनिवर्सिटी में, और हम लोग अपने यूनिवर्सिटी से दूर हैं अपने घर पे। और हम लोग का अभी जो टॉपिक है, टॉपिक रिसर्च एडवाइजरी कमेटी RAC द्वारा प्रस्तावित होता है, वहां पर सिनॉप्सिस या प्रपोजल जो होता है अप्रूव होता है, उसके बाद हम लोग उस पर अपना शोध कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है इस पे अभी तक RAC नहीं हुआ है, कोर्स वर्क नहीं हुआ है, अभी तक DRC नहीं हुआ है, ये तीनों चीजें अभी अधूरी हैं। तो इसमें ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग इतने कम समय में, इतने कम इंटीमेशन में कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी बात आज मैंने ICSSR के चेयरमैन को, UGC के चेयरमैन को, MHRD मिनिस्टर को, MHRD के सेक्रेटरी को एक मेल द्वारा पत्र भेजा, जिसमें ये रिक्वेस्ट किया गया था कि इसकी अंतिम तिथि को और आगे बढ़ाया जाए। कितने छात्र इस नोटिस से प्रभावित हो रहे हैं, या कितने छात्र हैं जिनका जिनके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा इसका? जैसे 2019 के जितने भी इनरोल्ड छात्र हैं, जिनको कि किसी तरह की फेलोशिप नहीं मिल रही है, जो सिर्फ 8000 के फेलोशिप पे मतलब अपना काम कर रहे हैं, वो इनसे प्रभावित हो गए और वो इस फॉर्म को भर सकते हैं 2019 वाले, तो ये इससे प्रभावित होंगे। तो यही मैं चाहता हूँ कि अगर ये डेट एक्सटेंड होगी तो 2019 के जितने भी छात्र जिनका RAC होना बाकी है, जिनका टॉपिक डिसाइड होना बाकी है, और जिनका RAC और DRC से अप्रूव होना बाकी है, वो इस फॉर्म को भर पाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि 2019 के इनरोल जितने भी छात्र हैं इसको भरने के लिए इसका डेट आगे बढ़ाया जाए। कब तक डेट आप लोगों की कब तक है कि किसे कब तक बढ़ाया जाए, कितना समय दिया जाए, क्योंकि ट्रेनें वगैरह तो चलने लगी हैं, तो यूनिवर्सिटी से क्या आप लोगों को मतलब कोई इंस्ट्रक्शन मिला है, कोई नोटिफिकेशन आया कि आप कब तक ज्वाइन कर सकते हैं, कब तक आपकी मांग है, कब तक बढ़ाया जाए इसे? यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, हमारे HOD द्वारा या हमारे गाइड द्वारा, किसी के भी द्वारा किसी भी तरीके का नोटिस नहीं भेजा गया कि हम लोग को कब यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा। और स्थिति भी इतनी सामान्य नहीं है, क्योंकि केसेस दिन पर दिन कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा है। तो इस तरीके से कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऊपर ये ब्लेम नहीं लेना चाहेगी कि छात्रों को बुलाकर या किसी भी स्कॉलर या किसी भी तरीके से अपने ऊपर ये सारा मतलब ब्लेम आए। तो वो उसमें भी एक प्रोसीजर के थ्रू उनको जाना पड़ेगा, जो MHRD ही प्रोसीजर को कंडक्ट करेगी। तो यूनिवर्सिटी ये काम तभी तक करेगी जब तक MHRD से कोई नोटिस नहीं आए। तो इसमें कम से कम जिस तरीके से अगर MHRD जो एक इंटीमेशन दिया है 15 अगस्त तक, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो 15 अगस्त का टाइम है, तो कम से कम इसको 15 अगस्त से बढ़ा के या इसको 30 अगस्त तक कम से कम तो कर ही जाना चाहिए, किया ही जाना चाहिए। मतलब आप लोगों की मांग है कि ये इस नोटिफिकेशन को यानी स्थिति को कम से कम 30 अगस्त तक बढ़ाया जाए, पहली चीज। हाँ, इसको 30 अगस्त तक बढ़ा दिया जाए।
एक और चीज जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये समय नहीं बढ़ाया जाता है, ऐसी स्थिति में आपके पास क्या विकल्प हैं, आप लोग किन विकल्पों को सोच रहे हैं? अगर हम यही चाहते हैं कि अगर इन केस नहीं बढ़ाया जाए, पहले तो एक तरह से नियम यही है कि जिस तरीके से एनटीए की जितने भी परीक्षा एनटीए के द्वारा जितने भी परीक्षा कंडक्ट कराने जाए थे, चाहे नेट के या फिर जेएनयू एंट्रेंस के या फिर नीट के, तो उनके फॉर्म की डेट बढ़ाई गई। तो एक तरह से लीगल तरीके से देखा जाए तो इतना कम समय दिया गया है तो इसका डेट तो बढ़ाया ही जाना चाहिए। इन केस अगर नहीं बढ़ाती है आईसीएसएसआर इसको, तो फिर यही है कि सारे जितने भी छात्र संगठन हैं उनके ऊपर दबाव लेटर के माध्यम से एक मतलब रिक्वेस्ट के माध्यम से दबाव बनाए कि इस चीज को बढ़ाया ही जाना चाहिए। मतलब आप भी फिर जो अन्य छात्र संगठन है और उनके माध्यम से इसको दबाव बनाने की कोशिश करेंगे दबाव, तो हाँ, जितने भी छात्र संगठन है जो छात्र हितों की बात करते हैं कोई भी, वो उनके द्वारा इस चीज को बढ़ाए जाने के लिए, डेट को 28 जून से बढ़ाए जाने के लिए मतलब इसको संज्ञान में लेना ही पड़ेगा और आईसीएसएसआर को लेटर लिखना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इनरोल्ड स्टूडेंट हैं सिर्फ उनके लिए ये नियम है, या जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में इनरोल्ड स्टूडेंट हैं 2019-18 में उनके लिए भी, उनके ऊपर भी ये नियम लागू होता है? रेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट और नेट एग्जेम्प्टेड के थ्रू या एमफिल एग्जेम्प्टेड के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड छात्र इसको अप्लाई कर सकता है, और इसमें फेलोशिप 20,000 रुपए मिलती है जो कि नॉर्मल फेलोशिप 8,000 है, उससे बढ़ाकर 20,000 मिलती है। ठीक है अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और पूरे मसले को विस्तार से समझाने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमित मीरा सिंह रघुवंशी जो कि झारखंड रांची केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोध छात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। धन्यवाद तरुण।